दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और हम अपने चैप्टर मिजबिल द ऑटर से आज बिगिन करने वाले हैं द न्यू पोएम विच इज टाइटल्ड एज फॉग एंड रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। अब ये बहुत ही ज़्यादा छोटी सी पोएम है, मतलब आपको बिलीव ही नहीं होगा, सिर्फ एक स्टैंजा की पोएम है ये और बहुत ही ईजी है। देर इज़ नथिंग जो यू नो आपको समझ नहीं आएगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल स्वीट एंड अ ब्यूटिफुल पोएम विच इज़ रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। तो ये जैसे कि भाई टाइटल आपको बता रहा है फॉग। फॉग का मतलब क्या होता है? जो आप धुंध देखते हो ना, जब ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो विंटर्स होते हैं, तो ऐसा यू नो बाहर बिल्कुल वाइट स्मोक टाइप का आपको दिखता है, जिसकी वजह से हर एक चीज़ बाहर आपको ब्लर दिखती है, राइट। स्पेशली बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग के टाइम, बहुत ज़्यादा जल्दी सुबह जब होती है तब जाके अगर बाहर देखो विंटर्स में, तो हर चीज़ जो है आपको बहुत ब्लर दिखती है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल एक यू नो वाइट कलर सा स्मोक टाइप का कुछ फैला हुआ होता है एनवायरनमेंट में, एंड दैट इज़ वॉट इज़ नोन एज फॉग, जिसे आप हिंदी में धुंध बोलते हो। क्लियर? अब इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं कार्ल सैंडबर्ग, इन्होंने फॉग को कंपेयर किया है, वो भी एक कैट के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कभी यू नो कोई कैट बिल्ली जो है बाहर से एंटर हो गई हो, फॉर एग्जाम्पल किसी के यू नो किचन का बिल्कुल बैक डोर होता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर अगर आपने कुछ दूध वूध रखा हुआ हो खुला, तो एकदम से यू नो कैट आती है, पी के चली जाती है, पता भी नहीं चलता, राइट। यानी कि कैट की एक बहुत यू नो बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि जब एक कैट या बिल्ली जो है एंटर होती है आपके घर में, तो आपको आवाज़ नहीं आती है, राइट, क्योंकि वो बहुत ही यू नो स्लोली साइलेंटली आती है, बहुत दबे पाँव के साथ आती है, ऐसा कह सकते हो। तो जिसकी वजह से एक कैट के यू नो चलने की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। तो कैट जो है बहुत ही साइलेंटली एंटर होती है विदाउट यू नो मेकिंग अस रियलाइज कि भाई मैं आ गई हूँ, शी इज़ ऑल देयर, दूध वूध पी के चली जाएगी एंड यू विल नॉट बी इवन नोटिसिंग इट। क्लियर? सेम वे में जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि ठंड के टाइम पे जो फॉग है, ड्यूरिंग विंटर्स फॉग जो है वो भी ऐसे ही एंटर होता है जैसे कि यू नो कैट एंटर होती है, दैट मीन्स साइलेंटली। यानी फॉग इस तरीके से आता है कि पता ही नहीं चलता कि कब आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने कैट से कंपेयर किया है। ऐसा नहीं है कि वो कैट मानते हैं फॉग को, इट्स जस्ट दिस वन कैरेक्टरिस्टिक जिससे उनको लगता है कि यू नो द वे साइलेंटली अ कैट एंटर्स इन द रूम, द सेम वे फॉग ऑल्सो एंटर्स वेरी साइलेंटली। क्लियर? इसके अलावा अगर हम देखें तो कैट की एक आदत होती है, वो यू नो एक पोस्चर में बैठती है, अभी हम वो पिक्चर भी देखेंगे। तो उसी पोस्चर में उन्होंने जो पोएट हैं कंपेयर किया है कि फॉग भी उन्होंने इसी तरीके से बैठा हुआ होता है ज़्यादातर हार्बर्स के इधर। हार्बर्स कहाँ होते हैं? जहाँ पे यू नो शिप्स और बोट्स लैंड होती हैं या रखी रहती हो, वहीं से जब बिगिन होती जर्नी या एंड होती तो वहीं पे वापस यू नो उनको रख दिया जाता है। तो हार्बर यानी पोर्ट वगैरह जो आप कह सकते हो। तो यहाँ पे जैसे फॉग जो है वो एक जगह यू नो बस बैठा रहता है, राइट। तो उसी तरीके से जैसे कैट जो है वो भी एक पोस्चर में बैठ के इधर उधर देखती रहती है। अगर आप नोटिस करो, अगर यू नो कैट नॉर्मली बैठी हुई है कहीं पे, तो उसका एक पोस्चर होता है, वो नीज़ को बेंड करके बैठती है और वो हर जगह जो है चीज़ें ऑब्जर्व करती रहती है, देखती रहती है। सेम वे फॉग को भी कंपेयर किया गया है कि फॉग भी उन्होंने हर जगह पर ऐसे ही एक पोजीशन में बैठा है, एक तरीके से इमेजिनेशन है, और वो भी उन्होंने हर जगह देख रहा है, यानी हर जगह फैला हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे पोइट ने फॉग को यानी धुंध को कंपेयर किया है विथ अ कैट। क्लियर? बस इतनी सी ही पोएम है और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रीड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट। Let's see 2 to 3 outlines की पोएम exactly किस बारे में है, which we have already discussed, and then we'll see the only one stanza जो कि इस पोएम का लिखा हुआ है, and finally the summary of the poem. Clear? All right. So let's begin with the introduction of the poet, who is Carl Sandburg. या इनका complete name है Carl August Sandburg, who was born in 1878 and unfortunately left the world in 1967. Was an American poet, writer and editor. ये एक American poet भी थे, writer भी थे और एक editor भी थे, you know, ones who edits. तो ये जो हैं poet हमारे, इनका नाम है Carl August Sandburg और ये एक well known American poet हैं. Fog is a very small poem. मेरा बस चले तो मैं लिख दूँ very 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 small poem, बहुत छोटी poem है. तो Fog is a very small poem written by Carl Sandburg and he has described the process of arrival of the fog into a city and the harbor. तो यहाँ पोएट जो है पोएम में ये बता रहे हैं किस तरीके से ये जो वेदर कंडीशन है फॉग वो अराइव होती है यानी एंटर होती है ड्यूरिंग विंटर्स इनटू अ सिटी एंड द हार्बर, किसी भी शहर में और हार्बर में यानी जो पोर्ट होता है, जो किनारा है पानी का, वेयर द शिप्स एंड बोट्स आर प्रेजेंट, वहाँ पर किस तरीके से फॉग एंटर्स, किस तरीके से इसका अराइवल होता है, दैट इज बीन टोल्ड बाय द पोएट इन दिस पोएम. He has very beautifully compared it to a cat. Obviously, this is a very big imagination. आप कैसे एक fog को एक animal से compare कर सकते हो, right? तो this is a very beautiful comparison जो उन्होंने किया है. If you want, you can use these lines in your long answer. You know, begin करना है, proper beginning समझ नहीं आ रही, तो आप इस तरीके से begin कर सकते हो. Clear? All right. So let's just see the first stanza. अब एक ही stanza है जिसको हमने break कर लिया है, so that you know we can just अंडरस्टैंड इट वेरी ब्रीफली. तो फर्स्ट टू लाइन्स जो है हमारे स्टैंजा की वो हैं द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट. इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉग है, फॉग यानी ये धुंध, देखो अगर बिल्कुल वाइट सा स्मोकी सा धुआं टाइप का दिखता है जो कि विंटर्स में ही होता है, स्पेशली अगर आप यू नो हिल स्टेशंस वगैरह चले जाओ, बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पे चले जाओ तो बिल्कुल सामने ऐसा लगता है कि मे बी क्लाउड्स ही हमारे सामने चल रहे हैं. इट इज़ समथिंग विच वी कॉल एज फॉग. क्लियर? तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो फॉग है या धुंध है वो इस तरीके से एंटर होती है जैसे कि ऑन अ कैट फीट. अगर अभी यहाँ पे आप देखो इस पिक्चर में तो कैट जिस तरीके से वॉक कर रही है ना, डेफिनेटली समझ आता है कि वो बहुत स्लोली बिल्कुल सोच समझ के वॉक करती है और डेफिनेटली इसकी जो फीट हैं, जो पैर हैं, उससे कोई आवाज़ नहीं आती, राइट? तो इसीलिए यहाँ पोएट ने क्या बोला है, फॉग जो है वो लिटिल कैट फीट पे आता है यानी बहुत साइलेंटली आती है. क्लियर? तो फॉग के अराइवल का आपको कोई इन्विटेशन नहीं मिलता या फॉग के अराइवल का आपको कोई पहले से ही बता नहीं देता. या फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई तूफान आने वाला हो या बारिश आने वाली हो तो देयर इज थंडर एंड लाइटनिंग, राइट? बिजली चमकती है तो आपको कहीं ना कहीं से एक छोटा मोटा पता चल जाता है कि हाँ भाई बारिश होने वाली है या फिर अभी तूफान आने वाला है, वेदर इज नॉट गुड. बट फॉग के बारे में क्या होता है, वो एकदम से आता है, ठीक है, और वो भी बहुत साइलेंटली. यू कैन नॉट इवन टेल एनीबॉडी कि भाई मुझे लग रहा है आज फॉग आएगा, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट लाइन्स ऑफ द स्टैंजा आर It sits looking over harbour and city on silent haunches and then moves on. बस इतनी सी ही पोएम है. क्लियर? तो यहाँ पर इस स्टांजा में या फिर पर्टिकुलर जो कंटिन्यूएशन है हमारे स्टांजा का, इन दिस द पोएट सेज इट सिट्स लुकिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैट को देखो ना तो वो इस पोस्चर में बैठ जाती है, ठीक है, और फिर वो इधर उधर देखती रहती है. तो ये जो पोस्चर है ना इसी को हम कहेंगे हंचेस, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला है, इट सिट्स लुकिंग यानी कि इट कौन है यहाँ पर, इट यहाँ पे फॉग है. बी वेरी अवेयर कि यहाँ पे इट जो है वो फॉग को कहा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो फॉग है वो नॉर्मली बैठता है जैसे कि ओवर हार्बर एंड सिटी. कहाँ पर? हार्बर. हार्बर कहाँ होता है? इस तरीके का देखो पोर्ट होता है जहाँ पे शिप्स या बोट्स जो हैं वो यहाँ पर बैठी रहती हैं. सो हार्बर इज अ शेल्टर्ड बॉडी ऑफ वाटर वेयर शिप्स, बोट्स एंड बार्जेस कैन बी डॉक्ड यानी लैंडेड. तो यहाँ पर जो है हार्बर जो है पोर्ट, यहाँ आपको शिप्स बोट्स वगैरह मिल जाएंगी, पानी का किनारा मान लो. तो यहाँ पे और सिटी में जो फॉग है वो ऐसा लगता है कि वो बैठा हुआ है. द सेम वे ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, जैसे कि सिटिंग विथ नीज बेंट जस्ट लाइक अ कैट सिट्स. इस पोस्चर को बोलते हो हॉन्चेस. तो सेम वे में जो फॉग है वो भी सिटी बोल लो या हार्बर बोल लो, एक नॉर्मल पोस्चर में बैठा रहता है और फिर मूव करता है. यानी कैट भी क्या करती है, जब उसके पास कुछ काम नहीं होता या फिर उसको कुछ ढूंढना होता है कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, तो वो क्या करती है, बैठ जाती है ऑन हॉन्चेस यानी कि अपने नीज बेंड करके, घुटने बेंड करके बैठती है. एंड फिर वो हर जगह शी लुक्स अराउंड, हर जगह वो देखती रहती है. सेम वे में पोएट बोलते हैं कि फॉग का भी क्या है भाई, फॉग अराइव होता है बिल्कुल साइलेंटली, फिर कोई हार्बर बोल लो या सिटी बोल लो, जहाँ पे भी आपको फॉग दिख रहा है वो थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है, इट्स स्टिल, ठीक है, स्टेशनरी, और फिर इट मूव्स अवे सेम वे एज अ कैट डज. एंड दैट्स इट. दिस इज द कंप्लीट पोएम विच इज रिटन बाय आवर पोएट कार्ल सैंडबर्ग. क्लियर? तो बहुत ही इजी सी पोएम है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि फॉग को कैट से कंपेयर किया है क्योंकि वो साइलेंटली आती है, हॉन्चेस पे बैठती है और इट कीप्स looking around on a harbor, at a harbor or in a city. Clear? और next चीज आपको क्या पता होना चाहिए, haunches का मतलब क्या होता है भाई, वो पर्टिकुलर पोस्चर जिसमें हम knees bend करके बैठते हैं. Clear? That's it. इसके अलावा we have to not understand anything क्योंकि है ही नहीं कुछ. ठीक है, तो एक beautiful सा comparison है of fog with the cat. That's it. This is the key point of the poem. Clear? Now let's just have a look at the summary of the poem so that we don't find any problem to answer the questions. Clear? All right. तो जो summary है भाई हमारी poem की, it says the poet says that the fog which is generally seen during the winter season is coming towards the city and harbor just like a cat. तो यहाँ poet बोलते हैं कि fog जो है, जो आपको winters के time पे दिखता है, तो ये आपको जनरली अराइव करते हुए कैसा दिखेगा, द वे कैट अराइव्स, बिल्कुल साइलेंटली. ठीक है, कहाँ पर, इन अ सिटी एंड हार्बर. दिस मीन्स दैट इट इज अप्रोचिंग द सिटी इन अ वेरी साइलेंट मैनर सो दैट नो वन कैन नोटिस इट्स अराइवल. तो फॉग जो है बहुत ही शांति से बिल्कुल साइलेंटली एंटर करता है और कोई भी उसका अराइवल जो है, आने का, जो बोल सकते हो कि फॉग आ गया, इसे कोई नोटिस नहीं कर सकता. बस आपको जैसे दिखेगा यू विल बी लाइक ओके ठीक है बहुत ज़्यादा ठंड है इसीलिए फॉग है. ऐसा कोई इन्विटेशन या फिर अनाउंसमेंट नहीं होती कि हाँ भाई फॉग आ गया. क्लियर? ऑल राइट. ही हैज़ कंपेयर्ड इट्स अराइवल टू दैट ऑफ अ कैट बिकॉज अ कैट ऑलवेज एंटर्स अ प्लेस साइलेंटली. कैट के फीट में कोई आवाज़ वावाज़ होती नहीं है. ठीक है, तो बहुत ही धीरे, बहुत ही शांति से एक कैट जो है वो एंटर करती है, वेदर इट्स अ सिटी, इट्स योर हाउस, इट्स अ हार्बर, कहीं पे भी. द सेम वे फॉग ऑल्सो एंटर्स साइलेंटली एंड दैट्स वाई पोएट हैज कंपेयर्ड फॉग विद द कैट. नेक्स्ट ही सेज दैट फॉग हैज covered the whole of the city and harbor and it appears as if it is sitting by folding its legs and looking around just the way a cat does when it sits on the haunches and looks around. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जैसे बोला है ना कि it looks around, ये चीज़ यहाँ पे पोइट बोलना चाह रहे हैं कि फॉग क्या करता है, हर जगह कवर कर देता है. राइट, अभी हमने जैसे फॉग का पिक्चर देखा था तो इट वॉज कवरिंग द कंप्लीट फॉरेस्ट. राइट, तो कहीं पे भी फॉग होता है या धुंध होती है तो वो पूरी जगह को इस तरीके से कवर कर लेता है कि ऐसा लगता है कि वो अपने पैर को फोल्ड करके वहीं बैठ ही गया, स्टेशनरी हो गया. ठीक है, सेम वे जैसे कि कैट जो है वो हॉन्चेस यानी अपने नीज बेंड करके बैठ जाती है और फिर इधर उधर देखती रहती है, सेम वे में अ फॉग इज बीन कंपेयर्ड विद द कैट. At the end, he describes the departure of the fog, which very silently and unpredictably, again similar to the departure of cat, vanishes. और जैसे ही moves away का मतलब क्या था कि चली जाती है. राइट, तो fog जो है उसका arrival भी बहुत silent होता है जैसे कि cat का होता है. और cat अगर आपके घर में आकर दूध दूध पी के चली भी जाए तो जाने का भी आपको पता चलता है क्या? नहीं, वो इतनी silently जाती है. Same way में fog का arrival बोल लो या departure बोल लो, यानी किसी चीज़ को छोड़ के जाने का हम क्या बोलते हैं, departure. ट्रेन डिपार्टेड. ठीक है, तो फॉग का जो है अराइवल और डिपार्चर दोनों ही कैट से मैच क्यों करता है, क्योंकि जैसे कैट का अराइवल और डिपार्चर जो है बोथ आर वेरी साइलेंट, सेम वे फॉग का भी अराइवल और डिपार्चर जो है बहुत साइलेंटली होता है और किसी को पता भी नहीं चलता. क्लियर? तो दिस वाज द कंप्लीट आउटलाइन, कंप्लीट स्टोरी ऑफ द पोएम. आई नो इट्स वेरी वेरी स्मॉल पोएम बट इट्स गुड. ठीक है, हमारे लिए ईजी, हमें और क्या चाहिए. क्लियर? तो वी ओनली हैव टू नो थ्री थिंग्स. अगेन आई रिपीट, वन, फॉग को कैट से कंपेयर किया है. सेकेंड, अराइवल जैसे कैट का जो है बहुत स्लोली होता है, सेम वे फॉग का होता है. थर्ड, कैट जो है जैसे एक जगह बैठ जाती है एंड शी कीप्स लुकिंग अराउंड, सेम वे फॉग भी जो है इस तरीके से कवर कर लेता है प्लेस को कि ऐसा लगता है कि वो भी कैट की तरह बैठा हुआ है, नीज बेंड करके अपने. एंड थर्ड थिंग इज जैसे कैट का डिपार्चर जो है वो भी साइलेंटली होता है, सेम वे में फॉग भी जो है कब चला जाता है, व्हेन इट डिपार्ट्स, व्हेन इट मूव्स अवे, इट्स वेरी साइलेंट. क्लियर? ऑल राइट. So with this we come to an end of our topic which is the poem Fog. Now we will solve the NCERT questions जो कि हमारी story पे based, Mijbil the Otter, और हमारी poem पे based हमको given है. Clear? So let's meet in the next video very soon with the NCERT questions of this chapter. Till then take care of yourself. और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.